तो सर मैं उस दिन उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। हाँ, जी आप सर, हाँ कर देती है। हाँ सर। हाँ, फिर एक दिन मैं कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब, अगर तुम सच में प्यार करते हो तो मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो। तो सर वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के दे देता है। 55 गुलाब का फूल लेके हाँ देता है। सर, हाँ, हाँ। तब कहाँ का रहने वाला है फौजी? सर वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पालमपुर बंदा गांव का रहने वाला है, उसका नाम देशराज है। फिर हम सुबह मिलते हैं, सुबह सर वो कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मतलब मेरे साथ एक चलो। फौजी एक लड़की को ड्यूटी करने आता है, प्रेम जाल में फंसाता है, फिर कहता है ले चलो मेरे साथ भाग चलो। हाँ सर, वो मुझसे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता यहाँ पे। बस उसको एक जिस्म की भूख थी वो उसने पूरी कर ली, और उसके बाद फिर छोड़ दिया सर। ना तो उसको मुझसे प्यार था, ना मेरे बच्चे से प्यार है। एक फौजी की प्रेम कहानी। फौजी ड्यूटी करने के लिए अयोध्या में आता है और एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, प्रेम जाल में फंसा करके शादी करता है और शादी करके एक बच्चा भी पैदा कर देता है और बीते कुछ दिन पहले उस लड़की को छोड़ देता है। ऐसा आरोप मेरा नहीं, ऐसा आरोप उस लड़की का है जिसको प्रेम जाल में फंसा करके वो फौजी अब छोड़ चुका है। सोनम जी है, सोनम जी यस सर, मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। जी। सर मेरी मुलाकात एक देशराज नाम के डोगरा रेजिमेंट के एक फौजी से मुलाकात 2015 में होती है सर। क्या करने आया था फौजी यहाँ सर पे? डोगरा रेजिमेंट में वो जॉब करता था, फौजी था वो। और सर डोगरा मंदिर के सामने मेरी उसके मुलाकात होती है, मैं टहलने जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे कैंटेरिया में। तो सर वो मुझे वहीं पे मिलता है और मेरे पास आता है, कहता है मैम मैं आपको, मतलब आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं 2-3 दिन से आपको देखता हूँ, और मुझसे कहता है कि मैं आपसे शादी भी करूँगा और आप मेरा नंबर ले लीजिए। उस समय आपकी उम्र क्या थी और उसकी उम्र क्या थी? सर उसकी उम्र का तो नहीं पता, पर वो मुझसे बड़ा था और मेरी उम्र थी 24-25 साल, कितना अंतर था आपके और उसके उम्र में? कम से कम 10 साल का। यस सर। तो आपको प्रपोज करता है, फिर क्या आगे होता है? फिर सर मैं उस टाइम पे नंबर नहीं लेती हूँ, 2-3 दिन तक वो मुझसे रिक्वेस्ट करता रहता है। तो सर मुझे लगता है कि एक बार नंबर लेके हम मतलब बात करके देखना चाहिए कैसा है, तो मैं नंबर ले लेती हूँ सर। ये सब कुछ 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। पहले दिन आपको प्रपोज करता है और वेट प्रपोज करके 3 दिन आप वेट करते हैं, उसके बाद आप अपने उसका नंबर ले नहीं लेते करते सर, वो 3 दिन तक मेरे से रिक्वेस्ट करता है वो। हाँ तब मैं लेती हूँ उसका नंबर कि एक बार बात करके देख लेते हैं। तब उसको जब बात करते हैं तो हम फोन पे बातचीत हमारी शुरू हो जाती है। फिर हम कभी कभी सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे जब हम टहलने जाते हैं तो मेरे साथ ही वो टहलने जाता है, और मतलब साथ में टहलने के लिए कैंटेरिया में मिल जाता है, थोड़ी दूर तक टहलता है, उसके बाद कहीं कहीं पर जैसे हम बैठ भी जाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन मैं कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब, अगर तुम सच में प्यार करते हो तो मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो। तो सर वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के दे देता है। 55 गुलाब का फूल लेके देता सर, है। हाँ 55 गुलाब का फूल ला के दे। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि तुम ये फौजी हो के कहाँ से, मतलब इतना सारा फूल कहाँ से मंगवा लिया इसने। तो फिर मुझे ऐसा लगता है ये सच में मुझसे बहुत प्यार करता है ये। तो सर मैं उस दिन उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर। जी आप सर, हाँ कर देती है। हाँ सर जी। उसके बाद फिर हम ऐसे ही फोन पे बातें करते हैं। फिर एक दिन वो मुझसे कहता है कि चलो अयोध्या में एक बार मिलते हैं, तो मैं रामपीढ़ी पे अयोध्या में एक बार उससे मिलती हूँ। तब वो मुझे बताता है कि मेरी पोस्टिंग जो है कारगिल में हो गई है, मैं चला जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मैं कहती हूँ, मतलब मैं भी सैड हो जाती हूँ, वो भी दुखी हो जाता है। उसके बाद फिर हम सुबह मिलते हैं, उस टाइम पे वो चला जाता है कैंटेरिया, मैं घर चली जाती हूँ। फिर हम सुबह मिलते हैं, सुबह सर वो कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मतलब मेरे साथ एक चलो। फौजी एक लड़की को ड्यूटी करने आता है, प्रेम जाल में फंसाता है, फिर कहता है ले चलो मेरे साथ भाग चलो। हाँ सर, वो मुझसे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ जाओ, कि अगर मैं भागूंगी नहीं, मेरे घर वाले से रिश्ता मांगोगे शादी का, तब हम शादी करके तब जाएंगे तुम्हारे साथ। तो सर मैं उसको बहुत समझा के भेज देती हूँ यहाँ से। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर 6-7 महीने तक हम फोन पे बातचीत करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग पे, मतलब काफी देर तक हम बातें करते हैं, छह मतलब सात नौ महीने दस महीने बीत जाते हैं छह बात सात महीने करते करते। छह सात महीने छह सात महीने छह सात महीने जब वो कारगिल से चला जाता है, 6-7 महीने बाद वो आता है सर। जी 6-7 महीने बाद वो आता है। फिर वो कहता है होटल में मिलने के लिए कि एक बार चलो, मतलब 2-3 घंटे हम मिलेंगे तो हम बाहर पे तो उसको कोई देख लेगा, फिर अंदर मतलब फिर हम होटल के रूम में मिलते हैं। अच्छा, बातचीत के दौरान इसके पहले कभी आप होटल होटल में नहीं मिले? नहीं, फिर जब वो छह होटल में सात जाती हैं महीने तब बाद क्या आता होता है? है, तब वो सर बातचीत करता है, उसके बाद भी कहता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ये चीजें अभी ठीक नहीं है। तो कहता है, फिर अंगूठा अपना काट के मेरा मांग भर देता है सर। यस सर, और एक मंगलसूत्र पहना देता है मुझे। यस मतलब सर, वो पूरी तरीके से तैयारी करके आया था हाँ सर, शायद कि सोनम को अपनाएंगे हाँ सर, चाहे तन से मन से धन से कैसे भी। हाँ सर। और हमारी बहुत सारी बातें भी होती रहती थी फोन पे इसी टॉपिक पे। क्या कसमें और वादे करता था आपसे?
यही कि सर मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, तो मैं तुमसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ तक कि अपना डाकू गर्म करके अपने हाथ पे मेरा नाम लिख लेता था, लिख लिया था मुझे वीडियो कॉलिंग पे लेके। उसके फैमिली के बारे में क्या जानी है सर? उसकी फैमिली में उस टाइम पे तो मैं कुछ जानती नहीं थी, जितना वो बताया था बस उतना ही जानती थी। आप पूछी नहीं कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी शादी हुई कि नहीं? ये पूछा था, तो उसने बोला कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। हाँ, क्योंकि उसके घर में झूठ बोला था वो सही बोला था सर? झूठी बोला जब था। आप मुझे पता जब आपसे प्रेम किया था तब उसकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? तब मुझसे यही बोला था कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। यस सर, लेकिन उसकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी उसकी हो रखी थी, ये बात मुझे बाद में पता चलती है जब मेरे साथ भी शादी कर लेता है। कहाँ का रहने वाला है फौजी? सर वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है, उसका नाम देशराज है। क्या वो आपकी भाषा समझता है? हाँ, वो मेरी भाषा हिंदी बोल लेता है? हाँ सर, जैसे टूटी फूटी हिंदी बोल लेता था सर। अच्छा, उसके परिवार वालों से भी आप बात की थी? नहीं सर, उसके परिवार से नहीं बात हुई थी? नहीं, हाँ एक बार अपनी माँ से बात करवाया था उसने। मित्रों ये देखिए जो सोनम जी बता रही है, इनको पहले पता नहीं था कि इनका जो फौजी प्रेमी है जो इनको प्रेम जाल में फंसाता है और फंसा करके शादी करके इनको जो है लेकर के जाता है हिमाचल प्रदेश, जिनके बच्चे की ये माँ बनने वाली थी, इनको ये भी पता नहीं था कि उस फौजी की पहले शादी हुई थी। और जब इनको पता चलता है, जब ये अपने मायके आती हैं इनके गर्भ में उस फौजी का वो बच्चा पल रहा था और इनको पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है, तो देखिए किस प्रकार से ये भावुक हो गई और रोने लगी। उसके आगे क्या होता है सर? फिर वो मेरे बच्चे को मतलब कहता है मैं आ जाऊंगा, उसके बाद फिर यही सब बातें होती। फिर मैं क्या करती, मैं घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी सर। मैं और मैं अपने बच्चे को मैं मतलब अगर मेरा बच्चा नहीं होता सर मैं शायद में मर जाती मैं, क्योंकि ये सब चीजें मैं नहीं चाहती थी बर्दाश्त करना। बच्चा आपका कहाँ हुआ सर? मेरा बच्चा मायके में ही हुआ। मायके में हुआ? अभी बच्चा कितना बड़ा है सर? वो 5 साल का है। 5 साल का है? अच्छा, जब फौजी आपको छोड़ के गया तब से लेकर के अभी तक कभी मुलाकात हुई? नहीं सर, वो बात हुई नहीं सर। बातचीत तो देखिए पहले होती थी सर, जब मैंने कोर्ट केस कर दिया तो बातचीत भी बंद हो गई मेरी। अच्छा, क्या नौबत आई कि आपको कोर्ट केस करना पड़ा? सर मैं उसे बुलाती रही, वो मुझे सिर्फ गंदी गंदी गालियाँ, मेरे परिवार को गंदी गंदी गालियाँ, धमकियाँ, बस यही सब देता था वो, आता नहीं था। और सर जब वो फोन करे तब मैं फोन उठाऊँ, मैं फोन करूँ तो वो मेरा फोन नहीं उठाता था। मुझसे कहता मेरा लीवर डैमेज हो गया है, 6 महीने बाद मेरा मतलब 6 महीने तक कोर्स से ठीक हो जाएगा तब चलाऊंगा। उसके बाद फिर सर दूसरा बहाना शुरू कर देता, ये हो गया। फिर बच्चा पैदा हुआ सर, मैं उसके आगे भी मांग रही थी आने के लिए कि आ जाओ प्लीज आ जाओ। क्या वो अपने लाल को देखने के लिए एक भी बार आया या फिर वीडियो कॉल किया, कभी कुछ किया? सिर्फ बात किया, पैसा दिया? सिर्फ बात किया सर, सिर्फ बात किया उसने। हाँ। वो आया नहीं मिलने सर। अच्छा, बेटे से अभी भी बात करता है? नहीं सर। हाँ। जब से मैंने केस किया है। हाँ। तब से तो वो मतलब बातचीत हमारी सब पूरी तरह से बंद हो चुकी है बस। आपका बेटा जानता है कि उसका पिता कौन है? कभी मिला है अपने पिता से? सर फोन पे देखा, फोन पे देख के बोलता है सर, जब मैं रोती हूँ तब मेरा बच्चा कहता है मेरा पापा गंदा है, बहुत मतलब वो बहुत दुखी होता है जब मैं रोती हूँ सर। और जब मैं मतलब अब समझता है सर, अब बड़ा हो गया थोड़ा समझता है, वो सारी परेशानी मेरी समझता है मेरा बच्चा। अच्छा, जब आप प्रेम में थी, जब आप रिलेशनशिप में थी, तो क्या आप लोग शादी से पहले भी फिजिकल हुए थे? सर मैंने बताया तो था आपको कि हाँ हुए थे शादी से पहले फिजिकल। मतलब पूरी तरीके से आपको पास करके रखा था? बस वो सब उसने शोषण ही किया सर मेरा, बस उसको एक जिसकी भूख थी वो उसने पूरी कर ली और उसके बाद भी छोड़ दिया सर। ना तो उसको मुझसे प्यार था। हाँ। ना मेरे बच्चे से प्यार है। हाँ। कोई प्यार नहीं, क्योंकि अगर एक बाप को अपने बच्चे से प्यार होगा उसको लगेगा मेरा बच्चा वहाँ पे है तो वो एक बार देखने आएगा। वो एक बार वीडियो कॉलिंग भी नहीं किया सर उसने, मैंने कहा वीडियो कॉलिंग किसी के मोबाइल से कर सकते हो तुम, बस सिर्फ बहाने उसने बनाया कि तेरा नंबर चला जाएगा किसी और के पास। अभी आप केस कब किए हैं? सर 2021 में मैंने केस किया सर उसके ऊपर। क्या कुछ चल रहा है केस में? सर केस में कुछ भी नहीं चल रहा है, किसी भी पेशी पे वो आता नहीं है सर। मैं ही हमेशा पेशी पे जाती हूँ। एक बार पता नहीं मैं पेशी जब कोर्ट से बाहर निकली थी, कोर्ट के अंदर नहीं आया वो, कोर्ट से बाहर जब निकली तब वो मेरे सामने अचानक आ जाता है और कहता है गंदी गंदी गालियाँ देके कहता है कि तू के कोर्ट केस वापस ले ले, नहीं तो फिर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार दूंगा मैं। अभी आपका फौजी ड्यूटी करता है या फिर घर पे है? रिटायर हो गया सर? रिटायर हो गया है, वो दूसरी नौकरी कर रहा है सर। सर हिमाचल में वो दूसरी नौकरी कर रहा है गाड़ी की, पता चला है मुझे तो वो दूसरी नौकरी कर रहा है। अब ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक से नहीं पता मुझे। क्या चाहती है अभी आप?
मैं चाहती हूँ सर कि उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले सर, जिसने एक औरत की जिंदगी, एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। ये जानते हुए उसको पता था सर कि वो शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, फिर भी उसने मुझसे शादी की सर, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी। मेरे अगर वो वापसी करना चाहे आपके जीवन में, फिर से आना चाहे, हंसी खुशी जीवन बिताना चाहे, तो आप क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? सर जिसने मेरे बच्चे के लिए नहीं सोचा, मेरे लिए नहीं सोचा, 5 साल से अपने बच्चे को अकेले देख रही हूँ। मैं जानती हूँ वो जो चीज़ मांगता मैं नहीं दे पाती उसे। मेरा बच्चा के लिए तरसता है, 5 साल तक एक पिता के लिए तरसता है वो। मैं अब ऐसे आदमी को जो दुख सुख मैंने गालियाँ खाई हैं, मुझे कहता मर जा तू, मेरे घर वालों को गालियाँ देता, धमकी देता, मैं ऐसे आदमी के साथ अब रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का जो हक है वो उसे मिले, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। अच्छा, अभी आप अकेले रहती हैं बच्चे के साथ या फिर पूरे परिवार के साथ रहती हैं? सर मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, मेरी माँ को भी पैरालाइज हो रखा है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ सर। आपके खर्चे कैसे चलते हैं? बस मेरी माँ थोड़े बहुत करती है बस, और कौन करेगा सर, वो भी कब तक रहेंगी। मुझे तो अब यहाँ पे इसीलिए तो मैं उठ के आई हूँ यहाँ पे सर। मैं जब हर जगह से थक गई हूँ, कोर्ट कचहरी से थक गई हूँ, वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ सर, मैं हर पेशी पे जाती हूँ, मैं हर पे आज भी गई थी मैं पेशी। आप हर पेशी पे जाती हैं और इनका जो प्रेमी है, इनका जो पति है, फौजी पति पेशी पे नहीं आता, आखिर क्यों नहीं आता है? सर मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता है, क्योंकि शायद ये तो सर यही है। क्या उसके लिए नियम नहीं, कानून नहीं? क्यों नहीं है, नियम कानून सबके लिए होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जब ऐसी तरह से लेट होगा, देर होगी, न्याय नहीं मिलेगा, तो एक औरत क्या करेगी, वो मरी जाएगी ना सर। 3 साल इतना बर्दाश्त करेगी? हाँ सर, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक बार भी वो जेल नहीं गया, जबकि वो इतने सारे मतलब इतनी सारी गंदी हरकतें कर रखी है। वीडियो फौज की कितनी सारी वीडियो उसने लिख कर रखी है, दे रखी है मुझे, जो फौजियों को मना होती है कि आप अपनी ड्रेस में किसी को भी वीडियो नहीं भेज सकते। वो कितनी सारी वहाँ की फोटो ऐसे वीडियो बना के भेजता था जो मतलब किसी को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो अभी सोनम के साथ हुआ है, एक अपरिचित व्यक्ति से आप मिली थी ना अयोध्या में मॉर्निंग वॉक के दौरान। क्या लगता है कि वो फौजी कितने लड़कियों को फंसाया होगा और कितनों को अपने बच्चों की माँ बना दिया होगा? हो सकता है सर, कोई उठा नहीं होगा, जैसे मैं आज सामने खड़ी हो गई हूँ, पर मैं इसको सजा दिलाऊंगी सर। मैं जब तक इसको सजा नहीं दिला दूंगी मुझे नहीं चैन मिलेगा, क्योंकि ये अपराधी है, एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, उसके ऊपर से एक बाप का साया नहीं है उसके ऊपर। आज आप उसे अपराधी मान रही हैं, कभी आपका वो प्रेमी था, कभी आपका वो पति था, आज वो आपके बच्चे का बाप है, क्या कहेंगे? सर मैं क्या कहूँ, उसको अपराधी ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ, क्रिमिनल ना बोलूँ तो क्या कहूँ मैं? एक शादी होते हुए दूसरी शादी की, तो वही सबसे बड़ा क्राइम है सर ये। और फिर तुम मतलब जानते हुए भी, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, और एक बच्चे की भी कर दी। सर ठीक है, अगर वो मैरिज था उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, फिर एक बच्चा पैदा नहीं करवाना चाहिए था। अब बताइए आप कहाँ जाएंगी, आपका जीवन कैसे कटेगा, आप कहाँ जाएंगी? बड़ा सवाल सर, इसका जवाब आप सर देश राज से पूछिए ना, वो बताएगा इसका जवाब, किसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बच्चा कहाँ जाए। हाँ। ये जवाब उससे पूछना चाहिए। हाँ। आपने भी कोई रास्ता तय किया होगा ना, आप उसको सजा दिलाएंगे, उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे, तो आपके रास्ते बच्चा के लिए तो करना पड़ेगा ना सर, बच्चा है तो बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा ना। कैसे पालेंगे बच्चे? करूंगी कुछ ना कुछ। बड़ा सवाल है ना, उसका पूरा जीवन सवाल है सर, भविष्य खराब तो हो ही गया है उसका, बाप का साया नहीं है उसके सर पे, तो भविष्य तो उसका खराब हो ही गया है। तो इसीलिए तो चाहती हूँ कि ऐसे आदमी को सजा मिलेगी, कल को किसी और बच्चे की जिंदगी ना खराब हो। मतलब कुल मिला जुला करके आप उसे सजा ही दिलाना चाहती हैं? हाँ सर, सजा मैं दिलाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे का जो अधिकार है वो मैं उसको दिलाना चाहती हूँ, जो एक बाप से मिलता है एक बच्चे को अधिकार, मतलब प्रॉपर्टी का प्यार सर, एक पिता का बाप का नाम, पिता का हाँ चाहिए सर, सब कुछ चाहिए उसको, जो हर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है। हाँ सर, तो बच्चे के आधार कार्ड पे किसका नाम है पिता का? पिता का ही नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट भी पिता का नाम है। अच्छा, देश क्या नाम है उसका? देशराज। तो मित्रों अभी आप देख रहे थे, ये सोनम जी है। शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि ये प्रेम कहानी एक फौजी की है, फौजी आता है ड्यूटी करने के लिए अयोध्या में और मॉर्निंग वॉक में फौजी को पसंद आ जाती है सोनम, सोनम से अपने प्यार का वो इजहार करता है। सोनम एक गुलाब मांगती है तो 55 गुलाब ले आकर के देता है। 3 सालों तक ये सब कुछ चलता रहा और कभी इनको होटल में मिलने के लिए बुला लेता है, कभी इनसे आकर के अयोध्या में शादी कर लेता है, शादी करने के बाद इनको लेकर के जाता है पंजाब, और जब पंजाब पहुंचता है तो इनको शराब पिलाता है। शराब इसलिए पिलाता है कि थोड़ा सा उमंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन सोनम उस कैटेगरी की लड़की नहीं थी, सोनम इन सब बातों का जो सिरे से नकारती हैं तो कहीं कहीं आपसी विरोध होता है। ये उसके घर पर भी जाती हैं लेकिन घर नहीं ले जाता, उसके बाद ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती हैं। इन लोगों का जो
आपसी विवाद हो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, अपने मायके आती हैं, मायके आती हैं, इनके पेट में उस फौजी का बच्चा पल रहा होता है और फौज से एक लेटर आता है, उस लेटर में ये लिखा जाता है कि आप फौजी की दूसरी पत्नी नहीं बन सकती हैं, वो पहले से शादीशुदा है, जबकि शादी हिंदी रीति रिवाज के शादी हिंदी रीति रिवाज से हुई थी, शादी मंदिर में हुई थी, शादी में सोनम का पूरा परिवार था, पंडित जी भी थे। हाँ सर, पंडित जी तो रहेंगे ना सर। मंत्रोच्चारण करके शादी हुई हाँ, थी, वीडियो है मेरे पास पूरी शादी की। तो शादी मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही है? सर मानी जा रही है तभी तो, तो नहीं मानी जाएगी सर। लेकिन समस्या इस बात की है कि अब इनका जो फौजी है, जो फौजी प्रेमी है, फौजी पति है, इनको छोड़ दिया है, कई सालों से बात नहीं हुई। एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है, वो पैदा होता है, 5 साल का है, लेकिन वो अपने बाप को नहीं देखा। तो सोनम की मांग ये है कि ये उस फौजी को सजा दिलाएंगी। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।